वेलकम टू सैयद सफर वाला ऑफिशियल। तो आज हम आ चुके हैं ये आरके हेयर स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैं अपनी कटिंग वगैरह अपना मतलब पूरा आपको लुक दिखाऊंगा, अपना न्यू लुक जो मेरा बनेगा यहाँ से। तो इसका मैं आपको एड्रेस बता दूँ, आरके हेयर स्टूडियो जो है ये ग्रेटर कैलाश परमंडल मोड, और यहाँ पे द एड्रेस पैलेस है, इसके बिल्कुल अपोजिट में आपको मिल जाएगा लेन में। तो हम अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको किस टाइप के कट्स मिलते हैं। फायर कटिंग भी मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ पे जम्मू में यहाँ पे होती है, और साथ में यहाँ पे फेशियल वगैरह भी मतलब होता है, बियर्ड कटिंग मतलब सब। तो मैं अंदर जाकर ट्राई करूँगा इसका रिव्यू आपको मतलब पूरा। आरके हेयर स्टूडियो परमंडल मोड है, जो रोड है ना, एड्रेस पैलेस है, उसके अपोजिट है। अच्छा, एड्रेस पैलेस के बिल्कुल अपोजिट है। मुझे यूट्यूब से भी देख के आते हैं। अच्छा, चैनल भी है, चैनल का यूट्यूब पे आरके हेयर स्टूडियो। आरके हेयर स्टूडियो इंस्टाग्राम पे भी आरके हेयर स्टूडियो का नाम लिखा, मैंने व्यूअर्स को भी दिखा दिया मतलब पूरा, कि पहले बिफोर वीडियो बताइए, अब इसके आफ्टर वीडियो में दिखाएंगे कैसा बनता पूरा। सही फॉर्मल टाइप होगी, जहाँ मतलब कि जैंकी फंक्शन होगी, क्योंकि आपका जैसा फेस है ना उस पर मतलब कि जिस टाइप का मतलब कि पर्सनैलिटी उसी साथ करेगा। हर बंदे के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल होता है जी। किस टाइप की लिखते हो और मतलब कितनी बुक्स वगैरह आपने लिखा ली है? मैंने तो अभी तक दो ही बुक्स लिखी है। तो पहली बुक मैंने 17 की एज में लिखी थी। 17 नहीं, 7 की एज से तो मैं लिख रहा था, राइटिंग स्टार्ट की थी। तो पहले हमने पब्लिश की थी, तब कितनी एज थी? पहली पब्लिश की थी वो 17 एज थी मेरी, तो अभी भी मेरी ज़्यादा नहीं, अभी 20 एज है मेरी। अभी 19 की एज में मैंने दूसरी बुक पब्लिश की थी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। किस टाइप की? मोटिवेशनल टाइप की। मोटिवेशनल जैसे बच्चे ड्रग्स वगैरह की दिशा में जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, उनको मतलब नॉलेज नहीं है इसलिए मतलब रेप हो रहे हैं। और साथ में मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब जैसे फेलियर मिलता है, जैसे किसी ने बिजनेस खोला अपना, उसका बिजनेस नहीं चला, तो उसने क्या किया मतलब बिना सोचे समझे मतलब सुसाइड कर लिया। तो उसको रोकने के लिए जैसे मतलब लोगों को मतलब अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता, अगर लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलेगी ना, उस दिन मतलब पता चलेगा कि मतलब वो क्या चीज़ है। अगर आप जिंदा रहोगे तभी आप कुछ मतलब डेवलप कर सकते हो ना, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार आप फेल हुए तो आपने सुसाइड कर लिया, ये तो कोई हल नहीं है। तो इसी के ऊपर मतलब इसी थीम के ऊपर मैंने बुक्स लिखी है, मोटिवेशनल सोशल इश्यूज वगैरह पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपने मतलब कि मार्केट में निकाल दी है? मतलब मार्केट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मतलब गूगल प्ले स्टोर, गूगल पे आप नाम सर्च करोगे तो वहाँ बुक्स वगैरह सब आ जाएगा, विकिपीडिया। ऑनलाइन आप करते हो? ऑनलाइन में ज़्यादातर होता है, बाकी ऑफलाइन वाले भी लेते हैं लोग। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मतलब फ्री टाइम में मतलब थोड़ा बहुत किया था। तो आप भी, तो आपकी एज क्या है? अभी है 22। अच्छा, अभी 22, मतलब मेरे से 2 साल बड़े हो उससे। तो आपने अपने नाम से मतलब ये अपने हेयर स्टूडियो खोली है, बहुत बढ़िया है। और मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी एज थी 17। मतलब 17 की एज में आपने भी मतलब अपना आरके हेयर स्टूडियो स्टार्ट कर दिया? मतलब सीखना स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ 1.5 या 2 साल लगाए थे, उसके बाद मैंने अपना 18 या 19 साल की एज में मैंने अपना स्टार्ट किया। अच्छा, जो आरके हेयर स्टूडियो है वो आपने 17 की एज में मतलब उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि तभी लोग आ रहे हैं ना, ऐसे तो कोई नहीं आता ऐसे इतनी दूर दूर से। अगर जम्मू सिटी से कोई बंदा आ रहा है तो मतलब कुछ बात होगी आप में। तो आज मैं भी आपके पास आया हूँ यही देखने के लिए कि लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, तो वही मतलब पूरा रिव्यू में मतलब दिखाऊंगा क्या कटिंग हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जैसे मैंने अपने बाल करे हैं, मैं कोई लग नहीं रहा कि ये मतलब मैंने वैक्स किया हुआ है, लेकिन उसी टाइप का है कुछ वगैरह के लिए ठीक है ना। तो वो तो मैंने पहली बार ट्राई की, मेरे को डर लग रहा था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मतलब उसमें इतना डर नहीं है, वो
वो मतलब उसमें अभी भैया ने मेरी की है, लेकिन ये आर के भैया जो मेरे सामने खड़े हैं जो इसके ओनर हैं, तो इन्होंने मेरी अभी कटिंग की है, तो मेरे को मतलब कुछ भी रिस्क नहीं था इसमें, मैंने खुद ट्राई की है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये फैंसी टाइप की आइटम है, तो जम्मू में मतलब पहली बार एक सर्विस किया स्पेशल जैकेट हमारे पास फाई कटिंग है। अच्छा, हम ड्रेड लॉक्स भी करते हैं, बाकी हम जो मूछे पंजाब वगैरह में होती है मैंने अभी देखी है, मूछे भी हम जहाँ पे करते हैं जम्मू में चीजें बड़ी ज़्यादा कम होती है। अच्छा जी प्लस पॉइंट है। अच्छा, जैसे अभी मैंने देखा मेरा फायर कट जो हुआ मेरे पास, मैंने ये है कि एक तो अपनी मेरी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है, और दूसरे बाल में कल्स वगैरह हो वो थोड़े रिमूव हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा गले बाल हो वो थोड़े ठीक हो जाते हैं। स्टूडियो यहाँ पे परमंडल मोड जम्मू में, तो ये उनके ओनर हैं, इनका नाम है आके, तो इन्होंने मेरा आज हेयर स्टाइल बनाया, तो आप देख सकते हो इससे मेरी क्या लुक लग रही है तरह, तो मैं इसके साथ भी देखे करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था बिफोर एंड आफ्टर वीडियो में बताऊँगा कैसी वीडियो बनती है, तो ये मेरा मतलब न्यू लुक है, तो आप देख सकते हो मतलब कितनी मतलब क्लैरिटी आ रही है मतलब फेस को बालों के लुक। तो मैंने आज मैंने करवा लिया, तो उसमें मतलब कोई डर वगैरह नहीं है, बिल्कुल आराम से हो गया, तो आप सभी करवा सकते हो यहाँ पे। आप लोकेशन बता सकते हैं? लोकेशन है ग्रेटर क्लास परमंडल और एड्रेस पैलेस के अपोजिट। अच्छा, एड्रेस पैलेस के अपोजिट। तो एक और चीज़ बता दो कि मतलब जैसे अगर मेरे नाम से सहज अग्रवाल के नाम से कोई यहाँ पे आता है तो उसको क्या डिस्काउंट मिलता है? उनको 20-30% ऑफ। 20% ऑफ होता है? 20% तो इतना बड़ा मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप सहज अग्रवाल के नाम से आते हो या मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब की मतलब आई डी वगैरह आप दिखाओगे इनको, तो यही आके हैं और इनसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यही हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस भी काफ़ी कर रहे हैं, तो आप इनके पास डायरेक्ट आ सकते हो। तो आप अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट इनके पास आ सकते हो। आप देखते हैं सहज अग्रवाल।